हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वप्निल और जायका स्ट्रीट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए टोमेटो सॉस की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही ईजी है और आप घर में ही अवेलेबल कुछ ही इंग्रेडिएंट से इसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, टोमेटो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो टमाटर लिए हैं। आप कोशिश करिए कि जब भी आपको टोमेटो सॉस बनाना हो, आप ओवर राइप टोमेटोज लीजिए, जो ज़्यादा घुले हों। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके ऊपर का हिस्सा काट के निकाल देंगे। आज मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है। अगर हम कढ़ाई में करेंगे इसको तो बहुत टाइम लेगा। तो आप इसको छोटे छोटे पीसेस में काट के डायरेक्ट कुकर में ऐड कर दीजिए। चलिए अब इसी तरह सारे टमाटर काट लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए, मैंने सारे टमाटर काट लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 7 से 8 कलियां लहसुन की, लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 खड़ी लाल मिर्च। लाल मिर्च आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आपको तीखा नहीं खाना है तो आप लाल मिर्च स्किप कर दीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी पानी और कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटियां लगा लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे कुकर का पूरा प्रेशर निकल चुका है। चलिए अब एक बार खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर, लेकिन अभी भी ये थोड़े गर्म हैं। हम इनको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ग्राइंडिंग जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब मेरे टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए हैं, चलिए इनको ग्राइंडिंग जार में डालते हैं। आप चाहें तो उबालने के टाइम हमने जो पानी कुकर में डाला था वो भी इसमें डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, और चाहें तो इसे बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, पानी मैं बाद में ऐड करूँगी। आप इसको छान के अच्छे से निकाल लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा टमाटर इस जार में निकाल लिया है। अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और हमें इसे ग्राइंड करना है जब तक एक स्मूथ प्यूरी नहीं बन जाता। तो चलिए मिलते हैं प्यूरी बनने के बाद। मेरी टमाटर की प्यूरी बनकर रेडी है, अब हम इसको एक बार छान लेंगे ताकि इसमें जो भी टमाटर के बीज या अदरक के रेशे रह गए हों वो सब अलग हो जाएं। आप अच्छे से स्पैचुला से दबा दबा के इसका सारा प्यूरी निकाल लीजिए। अभी मैंने इसमें सिर्फ आधा प्यूरी डाला है, मैं आधा आधा करके इसमें प्यूरी डाल रही हूँ और फिर इसको छानती जा रही हूँ। ये मैंने पूरा प्यूरी डाल दिया, अब इसको भी अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। अब जो हमने टमाटर का पानी अलग निकाल के रखा था उसको भी डाल देंगे और उसको भी छान लेंगे। मैंने इसको अच्छे से छान लिया है और आप ये देख सकते हैं, ये जो भी अदरक का रेशा या टमाटर का बीज था वो सब अलग हो गया है। आप इसको फेंक दीजिए और लीजिए, हमें हमारी टोमेटो प्यूरी मिल गई है। अब हमें इसे कुक करना है, तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम अपने पूरी टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। फ्रेंड्स, फ्लेम हम लोगों की पूरे प्रोसेस में लो ही रहेगी। आप इसको पूरा डाल दीजिए और चलिए इसमें बॉयल आने का वेट करते हैं। ये देखिए, इसमें बॉयल आ गया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। मैंने ये लगभग 4 बड़े चम्मच चीनी ली है, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उस चम्मच से 4 बड़े चम्मच। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और ये मैंने लगभग 1/4 कप व्हाइट विनेगर लिया है, यानी कि सफ़ेद वाला सिरका, इसको भी डाल देते हैं। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। अब इसमें एक अच्छा रेड कलर लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून देगी मिर्च। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, बस इससे कलर अच्छा आता है। अच्छे से इसको मिला लीजिए। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बॉयल होने देंगे।
आप बीच बीच में इसको चलाती रहिएगा। फ्रेंड्स अभी इसको बॉईल होते हुए 10 मिनट हुए हैं, मैं इसको एक बार चला ले रही हूँ। और इस टाइम आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको कोई भी चीज़ कम लगती है, नमक या चीनी, तो इस टाइम आप उसे ऐड कर दीजिए। अब हम इसे लगभग 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे। इस टाइम हमारे टमाटो सॉस को बॉईल होते हुए पूरे के पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसी स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडा होकर ये थोड़ा और गाढ़ा होगा। इस टाइम मेरा सॉस थोड़ा ठंडा हो चुका है, चलिए अब इसको बोल में खाली कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टोमेटो सॉस का टेक्सचर, उसका कलर कहीं से भी मार्केट से कम नहीं लग रहा है। अगर आपको ये थोड़ा और गाढ़ा चाहिए हो तो आप इसे 2-3 मिनट और कुक कर लीजिएगा, बट मुझे यही कंसिस्टेंसी पसंद है, इसलिए मैंने इसी कंसिस्टेंसी तक किया है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे जल्दी ही बनाएं और लगभग 1 महीने के लिए आप इसको फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।